हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल। लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने फ्लास्क एप्लीकेशन क्रिएट किया था और हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट राउट क्रिएट किए थे। पहला होम राउट था, सेकंड अबाउट और थर्ड कॉन्टैक्ट। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग अपनी HTML, CSS, JavaScript, इन शॉर्ट स्टैटिक फाइल्स कैसे सर्व कर सकते हैं फ्लास्क के थ्रू। ओके, तो ये मेरा प्रीवियसली कोड था app.py, और कोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हो। तो मैंने फ्लास्क episode 0 का एक फोल्डर बनाया हुआ है और app.py मैंने फाइल क्रिएट कर ली है। इसमें जो बहुत बेसिक कोड है, लाइक इंपोर्ट करना है, ऐप इनिशियलाइज करना और डिबग ट्रू, इसे मैंने लिख लिया है। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर एक फोल्डर और बनाएंगे टेम्पलेट्स के नाम से, जहाँ पर हमारी जितनी भी HTML की फाइल्स होंगी उसे हम लोग स्टोर करेंगे। और हम लोग स्टैटिक के नाम से फोल्डर बनाएंगे जिसमें हम लोग CSS और JavaScript की फाइल स्टोर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर फोल्डर क्रिएट करूँगा टेम्पलेट्स। ओके, और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर एक और फाइल क्रिएट कर लेते हैं और मैं इसका नाम दे देता हूँ home.html दे देते हैं। ये मैंने नाम दे दिया। ओके, और हम लोग यहाँ पर इसका जो बॉयलर प्लेट होता है उसका यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर जो कोड आ चुका है, और हम इसे टाइटल दे देंगे होम, और मैं यहाँ पर सिंटेक्स कोई भी यूज़ कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर दे दिया वेलकम होम पेज, और देन हम यहाँ पर एक पैराग्राफ यूज़ कर लेते हैं जो हमारा सैम्पल है लॉरम इप्सम। ओके, अब हम इसको रन कराएंगे, और रन कराने से पहले हमें क्या करना है कि हमें जो हमारी जो होम राउट है उस पर इसे सर्व करना है। तो हम करेंगे क्या, पहले तो हमें एज यूजुअल ऐप डॉट राउट का डेकोरेटर यूज़ करना है होम राउट के लिए। ओके, और उससे हम लोग आर्गुमेंट देंगे। तो मैंने जैसे बताया था लास्ट वीडियो में कि मेथड्स में भी आपको देने की ज़रूरत नहीं है। देन हम लोग यहाँ पर डेफ होम का फंक्शन बनाएंगे, और हमें एक नया एट्रीब्यूट हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो उस एट्रीब्यूट का नाम है रेंडर टेम्पलेट। तो सबसे पहले हमें क्या करना रहेगा, उसे इम्पोर्ट करना रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर फ्लास्क से उसे इम्पोर्ट करेंगे, रेंडर टेम्पलेट। ओके, और हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे रिटर्न रेंडर टेम्पलेट, और रेंडर टेम्पलेट के अंदर हम लोग उसका नाम देंगे। तो हमारे जो फोल्डर का नाम क्या है, वो होम डॉट एच टी एम एल है। तो यहाँ पर होम डॉट एच टी एम एल आ गया है। ओके, और फिर हम लोग क्या करेंगे, अभी तो हम फ्लास्क episode 01 में, मैं बैक जाता हूँ एक स्टेप, और उसके बाद फ्लास्क episode 2 में जाके हम लोग सेम कमांड यूज़ करेंगे, पाइथन ऐप डॉट पी वाई। हम लिखा पाइथन ऐप डॉट पी वाई। ओके, इसे एंटर करते हैं। तो ये सर्वर हमारा चल गया है, डिबग मोड ऑन है, और हम लोग इसे क्लिक करेंगे। ओके, तो ये हमारा ओपन हो गया, और जैसे कि आप देख रहे हो कि मेरा जो पहला पेज है वो यहाँ पर प्रॉपर सर्व हो रहा है, वेलकम टू होम पेज, एंड देन ये हमारा टेक्स्ट। ओके, तो पहला जो हमारा स्टेप था कि कैसे हम लोग HTML फाइल सर्व करते हैं, वो हम लोग सर्व कर लिया हम लोगों ने। देन उसके बाद हम लोग देख एक और पेज बना लेते हैं, लाइक अबाउट के नाम से। तो मैं यहाँ पर एक नाम बना लेता हूँ, about.html, यस about.html। ओके, और फिर हम लोग यहाँ पर बॉयलर प्लेट का यूज़ करेंगे, शिफ्ट और 1 दबा के आप इसको यूज़ कर सकते हो। ओके, अबाउट, और फिर हम लोग यहाँ पर हेडिंग यूज़ करेंगे H1, एंड देन हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अबाउट पेज। ओके, और फिर हम लोग को ऐप क्रिएट राउट क्रिएट करना है, तो हम लोग फिर यहाँ पर नेक्स्ट ऐप डॉट राउट क्रिएट करेंगे, और यहाँ पर हम लिख देंगे अबाउट, और हमें यहाँ पर फंक्शन एक बनाना है, तो हम लिखेंगे डेफ अबाउट और रिटर्न रेंडर टेम्पलेट, रिटर्न रेंडर टेम्पलेट अबाउट डॉट HTML। ओके, तो ये एक मिनट, सॉरी, इसे हम लोग फिर से रन कर लेते हैं ये। और हम लोग फिर यहाँ पर अबाउट पर जाएंगे, तो ये हमें अबाउट पेज सर्व कर देगा, अबाउट पेज। ओके, यहाँ पर अबाउट पेज आ गया। तो ये हमने बेसिकली अभी स्टैटिक पेज सर्व किया, फिर हम लोग HTML सर्व किए, अब हम लोग यहाँ पर जो है
CSS अब करेंगे। तो CSS का जो पार्ट होता है और जावास्क्रिप्ट का जो पार्ट होता है वो हम लोग स्टैटिक में स्टोर करते हैं। तो हमें इसी फोल्डर के अंदर लाइक एपिसोड 2 के अंदर ही हमें एक नया फोल्डर आना है स्टैटिक के नाम से। ओके और जो हम लोग थोड़ा और डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि थोड़ा इजी रहे समझने के लिए, तो हम एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं CSS, और स्टैटिक के अंदर हम एक नया फोल्डर करेंगे JS। ओके थोड़ा अलग रहेगा। और CSS के अंदर हम लोग पहली फाइल क्रिएट करेंगे स्टाइल डॉट CSS, ठीक है। और यहाँ पर हम अपना CSS का स्टाइलिंग का जो भी कोड होगा वो हम लिखेंगे यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, हम लोग अपना जो ये होम डॉट HTML फाइल है, पेज है, उसे हम लोग जो है स्टाइल करते हैं। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें सिंटैक्स यूज़ करना रहेगा, और हम लोग जो सिंटैक्स यूज़ करते हैं लिंक का HTML में वही हमें यूज़ करना है लिंक, ठीक है। अब HREF, लाइक HREF में हमें क्या करना है, HREF में हमें एक सिंटैक्स यूज़ करना है, वो ये है कि हम लोग कर्ली ब्रेस लगाएंगे देन URL एंड अंडरस्कोर फॉर, देन उसके बाद हम लोग लिखेंगे स्टैटिक जो हमारा पाथ है स्टैटिक, फिर उसके बाद हम लोग एक कॉमा लगाएंगे और फिर फाइल नेम लिखेंगे, देन किस फाइल के अंदर है, तो हमारा स्टैटिक के अंदर css/style.css। ओके ये हमारा सिंगल कोट में रहेगा, सिंगल कोट में कर देते हैं इसको, ठीक है हम लोग। ये फाइन है। अब तो आप देख रहे हो कि मैंने HREF के अंदर पहले URL फॉर लिखा है कर्ली ब्रेसेस के अंदर, देन मैंने स्टैटिक जो फोल्डर का नाम दिया है, उसके बाद मैंने फाइल नेम CSS स्टाइल नेम, ठीक है। अब चेक करते हैं इसे, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं बॉडी में फॉन्ट फैमिली हम लोग यूज़ कर लेते हैं कोई, तो मैं फॉन्ट फैमिली और मैं कोई भी ले लेता हूँ, जैसे मैंने ये ले लिया, ठीक है। देन हम लोग क्या करना है, हम लोग को यहाँ पर रिफ्रेश करना है, ओके तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो है आपको फॉन्ट चेंज हो गया है यहाँ पर। आपका अगर कभी कभी आपका जो कोड प्रॉपर रन नहीं करता, तो आप कंट्रोल F5 से इसको हार्ड रिफ्रेश भी कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी साइट कैश ना लेती है तो उसमें भी रिफ्रेश होने में प्रॉब्लम होती है। ओके तो आप कंट्रोल F5 करके उसको रिफ्रेश कर सकते हो। तो यहाँ पर बेसिकली क्या किया कि हमारी जो कंटेंट है वो सब हो रहा है। मैं अगर इसको दिखाऊँ तो आप कंट्रोल यू करोगे, देन ये जो लिंक है आप इसको ओपन करोगे तो ये देखिए यहाँ पर ये आ गया है। तो ये बेसिकली चेक भी कर सकते हो आप इससे, वैसे यहाँ पर अभी शो हो रहा है। नेक्स्ट फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल सर्व करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में बेसिकली हम लोग स्क्रिप्ट डॉट js एक फाइल बना लेते हैं, और हम लोग यहाँ पर अलर्ट लिख देते हैं, अलर्ट अलर्ट हेलो टाइप समथिंग, मैं लिख देता हूँ अलर्ट हे। ओके और हमें इसे लिंक कराना है, तो हम लोग अपने होम डॉट पेज में जाएंगे, और हम लोग फिर वही बॉडी के लास्ट में, या फिर आप ऊपर भी कर सकते हो। तो आप यहाँ पर बॉडी के लास्ट में बिल्कुल हम लोग यूज़ करेंगे स्क्रिप्ट SRC, और सोर्स में हम लोग पाथ देते हैं। ओके तो हम लोग यहाँ पर ओके एंड देन हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं, हम इसे कॉपी कर लेते हैं यहाँ तक, और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो हमारी फाइल अब क्या स्टैटिक ही है, बट हमारा जो कंटेंट है वो JS और स्क्रिप्ट डॉट JS है। ओके और देन फिर हम ये सेव हो गया हमारा, और इसके बाद फिर हम लोग कंट्रोल F5 करके इसको रिफ्रेश कर लेंगे। तो जैसे मैंने रिफ्रेश किया, देखिए यहाँ पर अलर्ट आ गया है। ओके तो लास्ट पूरी वीडियो में हम लोग ने देखा कि कैसे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट राउट्स हम लोग यहाँ पर यूज़ किए हैं हम लोग ने डिफरेंट डिफरेंट पेजेस सर्व करने के लिए, और हम लोग ने CSS और जावास्क्रिप्ट का भी इंटीग्रेशन यहाँ पर देखे कैसे हम इन का यूज़ करते हैं फ्लास्क में। ओके तो आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप और वीडियो चाहते हैं इस तरह की तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।